रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 13 स्वामी की दादी, उसका अर्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 13 स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामी नाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच एक हवादार अंधेरा जो गलियारे की बंसी कोठरी में स्वामी नाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। बैठक होता है यहाँ पर बैठते हैं, और भोजन कक्ष यहाँ जो जिसे हम किचन कहते हैं उसके बीच में। कम हवादार अंधेरे, कम हवादार थी यहाँ, हवा कम आती थी, अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में, गली गैलरी जो होती है उसमें अंदर जाके बंद सी कोठरी थी जिसमें कौन रहता था, स्वामी नाथन की दादी किसके साथ रहती थी, अपने सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था, उनका सामान क्या था, 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर। क्या था उनके सामान में, 5 दरियां थीं जिस और 3 चादरें थीं और 5 तकियों वाला भारी भरकम सा उनका बिस्तर था, और पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। और क्या क्या था, भारी भरकम उनका बिस्तर था और पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा था और लकड़ी का एक छोटा बक्सा था जिसमें तांबे के सिक्के थे और इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात को जब भोजन होता था उसके बाद स्वामी नाथन जो था वो दादी के पास उनकी गोद के सिर लगे रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत खुश और बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। तो रात को जब खाना हो जाता था भोजन के बाद, स्वामी नाथन जो था वह अपनी दादी के पास उनकी गोद में जो उनके सिर पर लगे जो लौंग का और इलायची की गंध वाला जो वातावरण था वहाँ का, उसमें वह अपने आप को बहुत अच्छा, खुश और प्रसन्न महसूस, सुरक्षित भी महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, बहुत प्रसन्न होकर वह क्या बोलता है, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। तो वह बोलता है कि क्या दादी, आप नहीं जानती हो राजम जो है वह कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। उसने क्या किया, दादी को राजम और मणि किस प्रकार से दोस्त थे, किस प्रकार से दुश्मनी हुई उनमें, यह कहानी उसने दादी को सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। वह कहता है कि दादी आपको पता है कि उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामी नाथन ने बताया, सच उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए। दादी ने बोला कि उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए, उसके पिता पुलिस अध्यक्ष हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। तो वह क्या बोलता है कि कौन है, उसके पिता पुलिस के अधीक्षक हैं और यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े वह अफसर हैं। दादी इससे बहुत प्रभावित हुई, उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। दादी ने क्या कहा, तो इसका मतलब उनका बहुत बड़ा दफ्तर होगा, दफ्तर यानी ऑफिस होगा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। तो फिर दादी ने क्या किया, वह कहानी शुरू की जब उसके दादाजी रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। तो उन्होंने यह कहानी उस स्वामीनाथन को सुनाना शुरू किया। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। उन दादी ने बताया कि जो तुम्हारे दादाजी थे उनसे सभी लोग डरते थे और खूंखार से खूंखार डाकू भी भाग जाते थे। स्वामीनाथन अधीन होकर उनकी कहानी
खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। स्वामीनाथन क्या था, वह परेशान हो गया था कि यह कैसी दादी कहानी सुना रही हैं, और वह परेशान होकर सुन तो रहा था लेकिन उनकी कहानी का खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। दादी, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड्ड करती रहीं। तो लेकिन उनकी कहानी तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी दादी की, वो तो इधर उधर की कहानी भटकती हुई बहुत पुरानी पुरानी अलग अलग समय में जो घटनाएं घटी वो सब बताती ही जा रही थी, वह सुनाती ही जा रही थी। बस काफ़ी है दादी। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, वह बोलता है स्वामीनाथन जो है, वह बोलता है बच्चा बस काफ़ी है दादी, उनसे रूखे स्वर में कहा। उसने क्या कहा, उसने रूखे स्वर में कहा बस काफ़ी है दादी, मैं तुम्हें राजम के बारे में बताना चाहता हूँ, जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं। तो वह बोलता है कि बस करो, काफ़ी है दादी, मैं आपको किसके बारे में बताना चाहता हूँ, राजम के बारे में बताना चाहता हूँ, जानती हो उसे गणित में कितने अंक नंबर मिलते हैं। तो वह बोलता है कि आप जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं, सारे नंबर मिलते होंगे, है ना। दादी ने पूछा, दादी ने क्या कहा, सारे नंबर मिलते होंगे, अरे नहीं उसे 100 में से 90 मिलते हैं। तो वह बोलता है कि उसे 100 में से कितने मिलते हैं, 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तो वह बोल दादी बोलती हैं कि तुम्हें भी उसकी तरह मेहनत करनी चाहिए और उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। तो वह दादी फिर बोलती हैं कि तुम्हारे जो दादाजी थे वह कभी कभी ऐसे उत्तर देते थे, ऐसे उत्तर लिखते थे कि जो परीक्षक थे वह भी चौंक जाते थे। किसी सवाल का जवाब देने में भी दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। तो वह बता रही थी दादी कि जो तुम्हारे दादाजी थे वह किसी भी सवाल का जब वो उत्तर देते थे तो दूसरे लोगों से के मुकाबले वह 10वां हिस्सा मतलब कम समय में कम वक्त में वह उत्तर दे देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। तो वह बताती हैं कि जो तुम्हारे दादाजी इतना अच्छा उत्तर देते थे कि कभी कभी तो जो अध्यापक जो टीचर थे वो उनसे प्रसन्न होकर 100 में से 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। वह बता रही थी कि जब उन्होंने MA किया था तो उन्हें बहुत इतना बड़ा मेडल मिला था कि मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। तो वह बोलते हैं कि मैं कई सालों तक उस मेडल को गले में पहनती रही, मैंने कब उसे उतारा। हाँ जब तुम्हारी बुआ गले में पहनती रह सॉरी हाँ जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। तो वह बोलती हैं दादाजी कि हाँ मैंने जब उतारा था, जब तुम्हारी बुआ जो हैं वह पैदा हुई थी तब मैंने उसे उतारा था। नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। तो वह फिर वही याद करके बताती हैं कि नहीं तुम्हारी जब बुआ नहीं, जब तुम्हारे पिताजी पैदा हुए थे। याद आया तब बच्चा 10 दिन का था। तो वह बोलते हैं कि जब उतारा था, जब वह 10 दिन के थे तुम्हारे पिताजी। अरे नहीं मैंने पहले ठीक कहा। तो फिर वह बोलती हैं कि मैं अरे ऐसा नहीं है, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? तो फिर वह बताती हैं कि हाँ मैंने ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ जब पैदा हुई थी तब मैंने वो उतारा था। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दे दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर चार चूड़ियाँ बनवा ली। तो वह बताती हैं दादी कि मैंने वो जो मेडल था वो तुम्हारी बुआ को दिया था, और जो तुम्हारी बुआ हैं उन्होंने क्या किया, उस मेडल को गलवा कर उसकी क्या बनवा ली, चूड़ियाँ बनवा ली हैं, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ की। तो वह बताने लगती हैं कि कैसी चूड़ियाँ बनवाई थी, इतनी मामूली सी चूड़ियाँ बनवाई थी। मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उन जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और तो वह बताती हैं कि उन्होंने इतनी मामूली सी चूड़ियाँ बनवाई, इतना भारी मेडल था वह,
तो उन्होंने वह ख़राब किया, ऐसा करके वह उसे बता रही थी और वह वहाँ मूर्ख है ऐसे करके बात बता रही थी। अब बस भी करो दादी, तो वो जो बच्चा था वह क्या बोलता है कि अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो, क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो वह बोलता है कि आप पता नहीं कौन सी पुरानी कहानियाँ सुना रही हो, क्या आप राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती हो? तो हाँ हाँ बोलो। तो वह दादी बोलती है हाँ हाँ बोलो दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। तो वह क्या बोलता है बच्चा कि दादी जब राजम छोटा सा लड़का था तब उसने क्या किया था? शेर मारा था। सच, बड़ा बहादुर लड़का है। तो दादी क्या कहती है, अरे बड़ा बहादुर लड़का है, बहुत वीर है। तुम यह सब बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। तो वो स्वामीनाथन जो थे वह बड़े उत्साह से कहानी सुना रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला कि दादी आप मुझे खुश करने के लिए ऐसा कह रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। तो स्वामीनाथन ने यह उत्सुकता से अपनी कहानी सुनाना शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे, तो वह बताते हैं कि जो राजम के पिता थे वह जंगल में डेरा डाले हुए थे, राजम उनके साथ था। तो वह बताते हैं कि राजम उनका जो बेटा है वह उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे, तो क्या हुआ, अचानक दो शेर थे वह किसके ऊपर झपटे? उनके पिता के ऊपर, और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। फिर एक शेर ने क्या किया, पीछे से हमला करके उनके पिताजी को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया, दूसरे ने क्या किया था, दूसरे शेर ने राजम का पीछा किया था। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया। राजम क्या हुआ, राजम वहाँ से भागा और भागते हुए एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया, वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। तो फिर क्या किया था राजम ने, वहीं से गोली निकाली और गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी क्या तुम सो गई? तो वह बोलता है दादी क्या आप सो गई हो? उसने कहानी ख़त्म होने पर पूछा, कहानी जब ख़त्म हुई तब पूछा दादी से क्या आप सो गई हो? नहीं बेटा सुन रही हूँ। तो वह बोलती है कि नहीं बेटा मैं सोई नहीं हूँ, मैं सुन रही हूँ। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? तो वह पूछता है ये जानने के लिए कि दादी सोई हैं कि नहीं सोई हैं। तो वह फिर पूछता है कि अच्छा चलो आप बताओ, अगर नहीं सोई हो तो ये बताओ कितने शेर आए थे? तो दो शेर राजम पर झपटे थे। दादी ने जवाब दिया, दादी ने क्या जवाब दिया कि दो शेर जो थे वह राजम पे झपटे थे। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। स्वामीनाथन जो उनका वो था पोता, वह उनके जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बात बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझ लुत्र कल्पना किए जा रही हो। तो वह बोलते हैं कि मैं तो आपको इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और आप नींद में कल्पना किए जा रही हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। तो वह बोलता है कि अब मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा, मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कह रही हो, तुम राजन को पसंद नहीं करती हो इसलिए। तो वह बोलता है कि मुझे पता है आप क्यों ऐसा सब कुछ कह रही हो, क्योंकि आपको राजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं नहीं वह तो बहुत प्यारा लड़का है। तो वह दादी जो है वह बोलती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा, वह विश्वास से होती हुई कहती हैं कि राजम बहुत प्यारा लड़का है, उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया, जबकि दादी माँ ने राजम को देखा भी नहीं था, लेकिन इसी बात को कहने में स्वामीनाथन जो था वो बहुत खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दूसरे ही क्षण क्या हुआ, दूसरे एक ही सेकंड में उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो वह बोलता है कि मुझे लग रहा है कि आपको शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है, मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर मैं मिठास भर कर कहा, दादी ने बोला कि मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, तब स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, लेकिन उसने क्या बोला, खुशी तो हुई लेकिन उसने चेतावनी देते हुए क्या जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। तो वह बोलता है दादी से कि जो भी राजम को झूठा समझेगा या वो सोचेगा कि ऐसा है, तो जो स्वामीनाथन राजम है वह उसे गोली मार देगा। ये चेतावनी दी।
तो दादी ने उसका समर्थन किया और हरिवंश की कहानी सुनाने की बात कही। दादी ने उस बात का समर्थन दिया और बोला कि हाँ ऐसा सही है। और हरिवंश राय जो हैं, हरिवंश जो थे वह हरिश्चंद्र जो थे वह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वह हमेशा सत्य ही बोलते थे। उनकी कहानी सुनाने की बात कही, उनके वचन का पालन करने के लिए सिंहासन जो जो हरिश्चंद्र थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया था उन्होंने, और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। वह हमेशा सत्य ही बोलते थे। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी। उसने कहानी कैसी सुनाई थी, आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खराटे लेने लगा। और उन्होंने जो कहानी ये सुना रहे थे हरिश्चंद्र की, वह आधी ही सुना पाए थे जब तक स्वामीनाथन जो है वह खर्राटे लेने लगा, अर्थात उन्हें नींद आने लगी। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। दादी भी यह कहानी धीरे धीरे रुक रुक कर सुनाने लगी और फिर उसके बाद दादी को भी नींद आ गई। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 13 स्वामी की दादी पाठ का अर्थ समझा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।